हो गई। ओके ठीक है। आज हमने ये करना है डी फोर पार्ट सॉर्टिंग बाय साइज। ओके अच्छा ओके इसमें करना क्या है कि ये बॉक्स उठा के रखता जाएगा, यहाँ पे स्मॉल साइज होगा, लार्ज साइज होगा, मीडियम साइज होगा। अगर लार्ज बॉक्स ठीक आता है। है तो लार्ज वाली लाइट ये ऑन हो जानी चाहिए, मीडियम आता है तो मीडियम, स्मॉल आता है तो स्मॉल। ठीक है ठीक ओके। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है इसमें सारा सिंपल सा कि ये एक्स 14 है, एक्स 14 ऑन करने से ये कन्वेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये तो पहले एडिट करते ठीक हैं, तो एक्स 14 कन्वेयर है Y3। जी। ये सिंपल हो गया, पहले कन्वेयर स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक्स 10 करेंगे ना, तो इसको पार्ट सप्लाई करना चाहिए, एक्स 10 और पार्ट सप्लाई है Y5 ये वाला। जी ओके जी पार्ट भी सप्लाई हो गया। उसके बाद हमने करने के लिए जब यहाँ से गुजरे ना, तो स्मॉल और लार्ज मीडियम जो भी है वो डिटेक्ट करना चाहिए इसको। ओके जी तो पहले हम देखते हैं स्मॉल। स्मॉल हो गया तो जाहिर है वो सबसे जो नीचे वाली ये लेज़र है या जो भी बीम है इसको कट करेगा। लोअर बिल्कुल नेक्स्ट टू ठीक है, ऊपर वाली दो ऑफ होंगी और नीचे वाली ऑन होगी, तो जी। इसमें मैं कर दूंगा X2 ऑन, X1 ऑफ ठीक और X0 भी ऑफ। ठीक है, और इससे ऑन होना चाहिए स्मॉल। हाँ स्मॉल वाला, स्मॉल वाला है Y12, ये Y12। वाइट वाइट वेल और वाइट वेल को लैच भी करना है, ठीक है। तो वाइट वेल यहाँ से हम लैच भी कर देंगे ये, और इसको क्लिक करके, और ये क्लिक करके ये हो गया लैचिंग। अच्छा ओके ठीक अब वो है कह रहे हैं कि ये ऑन रहना चाहिए जब तक वो X4 से पास नहीं करता, यानी जैसे X4 से पास करे लाइट ऑफ हो जाए, वरना तो हो वो जाए हमेशा ऑन ही रहेगी, ऑफ होगी नहीं। ठीक ऑन रही बिल्कुल एक्स है ना, तो हम यहाँ पे हमें लगाना चाहिए X4 फोर नॉर्मली नॉर्मली कनेक्टेड यानी रिवर्स। ओके अब इसको देखते हैं, अगर ये स्मॉल के लिए ठीक काम करते हैं ना, तो फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके मीडियम और लार्ज के लिए भी ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक ओके ये कन्वेयर चल गया, ओ नहीं अभी राइट से गया नहीं है। व्हाइट ये लाइट हो गया, ये कन्वेयर चल गया, एक्स टेन से जी पार्ट सप्लाई करेगा, ये पार्ट सप्लाई किया, ये है लार्ज, तो ये जाहिर है कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका हमने भी प्रोग्राम लिखा नहीं है। ये मीडियम आ गया, अब भी कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल और ये आ गया स्मॉल। अब इस एस को ऑन हो जाना चाहिए, हो गया, और ये ठीक ऑफ, यानी X4 से पास करते तो ऑफ हो जाना चाहिए उसे। ठीक हो गया ठीक हो गया तो अगर ये ठीक चल गया है तो फिर बाकी भी ठीक ही चलेंगे। अब इसको यहाँ से ऑफ करते हैं क्योंकि जी हमने ये सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये मैं लिखने लगा हूँ मीडियम के लिए, मीडियम के लिए X2 और X1 ये दोनों एक्टिव होने चाहिए, बिल्कुल X2 और X0 X0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे वही है, और बिल्कुल इसमें Y होना चाहिए 11, बिल्कुल कि जो वो यहाँ से 11 हो गया और यहाँ भी 11 हो गया। हाँ ठीक हो गया, जी अब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये है लार्ज के लिए, लार्ज के लिए सबको एक्टिव होना चाहिए, यानी सारे नॉर्मली ओपन होंगे। ओके
और लार्ज वाला है Y10। और ये भी हो गया। ओके, तो हमने एक के लिए ठीक प्रोग्राम लिखा ना, बाकी फिर कॉपी पेस्ट भी होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके वही चीज चलती है। मैं ऑन किया जी, पहला, हाँ लार्ज ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। मीडियम के लिए मीडियम भी सही जा रहा है, बिल्कुल। स्मॉल स्मॉल भी सही जा रहा है। अच्छा ओके, अब मैं इसको ऑटो करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार पार्ट सप्लाई ना करना पड़े, ये खुद ही उठा के रखता जाए और वो खुद ही डिटेक्ट करता जाए, उसके ठीक है। लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि ये एक जब आप एक दफा ये पुश बटन प्रेस कर रहे हैं कि बार बार आपको प्रेस करना पड़ रहा है अभी वही तो बता रहा, ये पीपीए तो है। प्रॉब्लम है, बार बार करना, यानी बार बार मुझे पार्ट उठा के रखना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ फुली ऑटो में पीछे स्क्रीन से बैठ के बस देखूँ। टाइमर लगाना पड़ेगा इसके साथ, और नहीं, टाइमर नहीं है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा फिर या तो आउटपुट फिर यूज करें क्या कि आउटपुट यूज करें फिर X10 के साथ, ताकि जब ये डिटेक्ट करता जाए बारी बारी तो ये खुद ब खुद जैसे पहले Y10 के आउटपुट यूज करें माल की, फिर मिडल की, और फिर नहीं उसके बाद अपर नहीं की। नहीं ये भी नहीं, और क्या हो सकता है? और इसके अलावा आपको जब आप पुश बटन X10 दबाते हैं तो X10 को लैच करवा दें फिर। X10 लैच नहीं होगा क्योंकि X10 को हम आउटपुट, तो X को आउटपुट नहीं कर सकते, मतलब मैं बिल्कुल X14 क्वाइल करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा, मतलब अच्छा, ये वाई अब आप थ्री है जब ना, इधर मैं हाँ X10 जी लिखने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा, तो ये लैच नहीं हो सकता इनपुट, और क्या हो सकता ठीक, जब आपने एक डब्बा उठा के रखा उसके बाद ये फर्ज करें आपने एक स्मॉल कोई भी डब्बा रख लिया ना सबसे पहले, तो वो जब इसको डिटेक्ट करेगा Y12 को, और उसके बाद जब X4 पे आएगा, X4 की फिर आउटपुट यूज करेंगे आप हाँ X4 की, इसके साथ, इसको क्या, यानी X4 का स्विच लगाया जा सकता है, बिल्कुल। इंसर्ट लाइन इधर X4 लगाया जाए, यानी X4 जब एक्टिव हो तब भी ये पार्ट सप्लाई कर दे, तो ये एक हमें ब्रांच ये काम करेगा। हाँ जी ओके, ये देखते हैं किस हद तक काम करता है। पहले तुम्हें उठा के रखना पड़ेगा, जाहिर है। जी बिल्कुल एकदम होगा। हाँ X4 चीज पास कर गया, फिर वो नया नहीं रखा। नहीं उठाया इसमें, ओके, अब इसकी क्या वजह हो सकती? अच्छा, मैंने वो X14 के साथ लगा दी, ये गलती की है। X10 के साथ। हाँ, वो सप्लाई के साथ होना चाहिए था, इसके साथ में X14 और यहाँ पे लाइन, चलो ये लाइन वैसे आ गई। ओके, हाँ ये यहाँ पे लगाना चाहिए था, X10 X10 के नीचे। ओके X4, हाँ अब सही है। पहला रखना पड़ेगा, बाकी ऑटो पे होते जाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा, इसके अलावा एक और काम भी किया जा सकता है। यहां पे देखें, हमें X5 स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, ये वाला, तो मैं X4 की जगह X5 भी लिख सकता हूं, कौन सा सर? X5 अच्छा यानी अच्छा ठीक 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 स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी एक इनपुट है, जैसे वो स्टार्ट पे आएगा इस इनपुट हम इस एक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक अब है, मैं इसका आपकी एक बात समझ, फायदा ये होगा कि हमें
पहला भी उठा के नहीं रखना पड़ेगा, ओके हम बस इसको ऑन कर देंगे कन्वेयर को। ये मैं बस कन्वेयर को ऑन किया और ये मैंने उठा के नहीं रखा, इसने खुद ही रख दिया, रख लिया, ठीक हो गया, समझ गया मैं। ठीक, अच्छा अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम हो हमें कन्वेयर भी ऑन ना करना पड़े, वो भी खुद ही बस आपने राइट किया और कन्वेयर खुद ही चल रहा हो शुरू से, उसके लिए क्या कर सकते हैं? कन्वेयर को X5 के साथ लगा दें, Y3 नहीं, कन्वेयर को सिंपल हम नॉर्मली कनेक्टेड कर देते हैं इसके साथ से। जो कन्वेयर है ना 14 था ना, हाँ जी, इसको ये कर देते क्योंकि ये ऑन ही होता है। अच्छा ये हो, ठीक है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ राइट करूंगा और मुझे इसको टच करने की भी जरूरत, बस देखिए राइट मैंने किया और मैं पीछे होकर बैठ गया, कन्वेयर भी खुद चल जाएगा और वो बॉक्स भी सारे खुद उठा के रखे, समझ गया, इन्हें कन्वेयर स्टार्ट है, उसने बॉक्स भी खुद उठा के रख दिया ये। मीडियम भी सही चल रहा है बिल्कुल। तो इस तरह इसको फुली ऑटो किया जा सकता है, सही। ओके, कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं नहीं ये ठीक हो गया, अभी और तो जो कंप्लीट हो, पहले लेक्चर वगैरह वो सारे क्लियर हैं अभी तक? हाँ जी पहले वाले क्लियर हैं बिल्कुल, कल वाले में था थोड़ा सा डाउट, लेकिन वो मैंने कल टाइम ही तो मिला, लेकिन आज मैंने इंशाल्लाह उसको भी कर लिया, कर लिया है या कर लेना है? कर लिया, नहीं नहीं कर लिया मैंने उसको आज, मैंने अभी उससे पहले कहा भी कुछ थोड़ी थोड़ी यानी प्रैक्टिस करते रहे ना, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे तो ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर होता रहता है, बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे ना बिल्कुल, ग्रिप तभी आपकी मिलेगी। ओके ठीक है, कल तक इसको भी देखें, मैं वीडियो सेंड करता हूँ थोड़ी देर में।